पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल भारत के साथ करतारपुर कॉरिडोर को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के अधिकारी यहां बैठे हैं। बैठक में करतारपुर कॉरिडोर को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही विदेश मंत्रालय की ओर से साफ किया गया कि पाकिस्तान के अधिकारियों से सिर्फ करतारपुर कॉरिडोर को लेकर ही बातचीत हुई है। आप रिपोर्ट देखिए और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच अमृतसर में जो बैठक चल रही थी वो बैठक हालांकि खत्म हो गई, लेकिन बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, बीएसएफ और पंजाब सरकार के अफसर शामिल रहे हैं। करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण कार्य को लेकर दोनों देशों की सहमति के 3 महीने के बाद ये बैठक हुई। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रवीश कुमार, हम उनकी बात कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया था कि पाकिस्तानी जो अधिकारी हैं उनसे सिर्फ करतारपुर कॉरिडोर को लेकर ही बातचीत की जाएगी और ये बातचीत द्विपक्षीय बातचीत से बिल्कुल अलग होगी। होंगे खुले दर्शन दीदार, पूरी होगी सिखों की अरदास। हर रोज सिख यही अरदास करता है कि जो गुरुधाम पंथ से बिछड़ गए हैं उनके खुले दर्शन दीदार करवाए जाएं। और सिखों की अरदास उस वक्त परवान चढ़ती नजर आई जब दोनों देशों की सरकारों ने करतारपुर साहिब के लिए लांघे को सहमति दी और दोनों तरफ से काम भी शुरू कर दिया गया। इस कॉरिडोर को लेकर अब बातचीत का दौर भी शुरू हो चुका है। गुरुवार को पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल अटारी सरहद पर पहुंचा और दोनों देशों के अधिकारियों के बीच करतारपुर कॉरिडोर के मसौदे पर चर्चा हुई। So this in a gist is the sum and substance of today's discussions. We'll be happy to share with you between the technical experts on the alignment and other details of the proposed corridor. It was agreed to hold the next meeting at Wagha on 2nd April 2019. Yahan pe ji. This will be preceded by a meeting of the technical experts on 19th March 2019 at the proposed zero points, yani Kartarpur Sahib ke paas, to finalize the alignment. एक तरफ करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए कवायद तेज हुई तो दूसरी तरफ अरदास पूरी होने के लिए अरदास का दौर चला। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचकर इस बातचीत के सकारात्मक दिशा में जाने के लिए अरदास की। ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 500 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆਹੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਨਸੀਬ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 550 ਸਾਲਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਲਾਂਘੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। करतारपुर का मसला पिछले लंबे समय से सियासी मसला भी बना हुआ है और हरसिमरत कौर बादल के अरदास करने पर कांग्रेस ने चुटकी ली। कांग्रेस विधायक राजकुमार वीरका ने इसे हरसिमरत का सियासी स्टंट करार दिया। देखो हरसिमरत कौर बादल मिसगाइड कर रही है और ये बंटवारा कोई कांग्रेस ने नहीं करवाया, अंग्रेजों ने देश का बंटवारा कराया था। और दूसरी बात मैं इनको कहना चाहता हूं, अगर जनरल डायर को आपके पिता सम्मानित ना करते, जनरल डायर का साथ ना देता मजीठिया परिवार, तो आज देश का बंटवारा ही नहीं होता, चोर मचाए शोर। हालांकि आम आदमी पार्टी ने तो कांग्रेस और अकाली दल दोनों को क्रेडिट वॉर ना करने की नसीहत तक दे डाली। जी गलबात जो चल रही है करतारपुर लांघे वास्ते खास तौर पर, मैं पहले दिनों यही गल कहना कि करतारपुर साहब का जिहड़ा लांघा है इहदे ते राजनीति नहीं होनी चाहिए, इहदे ते नीह पत्थरां ते लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि किने कराया, मैं कराया, उन्हें कराया, नहीं कराया। ये तो एक ऐसा काम है
जिहड़ा जिहदे नाल लोकां दीआं धार्मिक भावनावां जुड़ियां होईआं। साडे गुरु साहब दे आखरी 16-17 साल जिहड़े ने ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ, ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ਲੀਏ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾਏ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਪਰ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੇ ਬੀਚ ਸਿਆਸੀ ਉਮੀਦੋਂ ਕਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।